हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का पूरा आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान के 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 20, और यह वीडियो इस सीरीज का लास्ट वीडियो होगा क्योंकि इससे पहले अभी तक हम लोग टोटल 19 वीडियोज़ में 950 क्वेश्चंस देख चुके हैं। तो जो भी लोग अभी तक उन सारे वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोज़ का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर उन्हें देख सकते हैं। इस सेशन में टोटल 50 क्वेश्चंस अभी हम लोग देखने वाले हैं, जिसका फ्री पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और यदि आपको इस पूरे सीरीज का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पर इस पूरे सीरीज का पीडीएफ फाइल यानी 1000 क्वेश्चन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप जल्दी से मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप मुझे ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अभी 50 क्वेश्चन में आप कितना सही किए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज। और क्वेश्चन ये है कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम है, तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? वह है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ओजोन में होती है, तो देखिए ओजोन में क्या होती है? ओजोन में केवल ऑक्सीजन होती है। ठीक है, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3, और इसमें केवल ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? तो यहाँ पे देखिए रेयॉन, ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। रेयॉन एक कृत्रिम रेशा है और जिसे सेल्यूलोज के संश्लेषण से बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हार्मोन नहीं है? तो यहाँ पे देखिए इंसुलिन, एड्रिनलिन और थायरोक्सिन, ये तीनों ही हार्मोन हैं, और यहाँ पे हीमोग्लोबिन यह हार्मोन नहीं है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो है यह रेड ब्लड सेल्स में पाया जाने वाला एक पदार्थ होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और देखिए इंसुलिन जो है यह कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय ग्रंथि से। ठीक है, यानी पैंक्रियाज ग्लैंड से स्रावित होता है। एड्रिनलिन जो है यह एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है, तथा यह जो थायरोक्सिन है यह स्रावित होता है थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, यानी हिंदी में अवटु ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट किस तरह की खाद है? तो वर्मी कंपोस्ट जो है यह केचुओं द्वारा उत्पादित जैविक खाद है, तो आप इसे याद रखिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पिपरी निम्नलिखित के लिए प्रसिद्ध है। देखिए पिपरी जो है यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है पेनिसिलिन उद्योग के लिए। ठीक है, और पेनिसिलिन क्या होता है? पेनिसिलिन जो है यह एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसे कवक से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेनिसिलिन का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। और यह किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह प्राप्त किया जाता है कवक से। ठीक है, फंगस से, तो आप इसे याद रखिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? यहाँ पे होती है। ठीक है, तो पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? तो यह प्राप्ति होती है तना से। अगला क्वेश्चन है, चिली सीरा साल्ट, चिली साल्ट पीटर किसका सामान्य नाम है? देखिए ये सारे क्वेश्चन इसमें से जो भी मैं करवा रहा हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी के सभी। तो आप जिसका भी आंसर नहीं जानते हैं तो आप उसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पे है कि चिली सीरा किसका सामान्य नाम है, तो यह नाम है सोडियम नाइट्रेट का। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र होता है Na(NO3)। ओके, सोडियम नाइट्रेट, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो क्या प्रयोग किया जाता है? थर्मोकपल का। ठीक है, थर्मोकपल तापमापन एवं ताप नियंत्रण के लिए अधिक प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागण प्रकार के वर्तिकाग्र स्टिग्मा में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है?
तो उसे कहा जाता है ऑटोगैमी, ठीक है, ऑटोगैमी, स्वयुग्मन, आप इसे याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्साइड बनाने की क्रिया को कहते हैं, तो ऑक्साइड बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, वह बोला जाता है ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन है, एफ ई रासायनिक प्रतीक है, तो एफ ई किसका रासायनिक प्रतीक है, वह है लोहे का, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहे का। टीन का रासायनिक प्रतीक जो है वह है SN, ठीक है, टीन का रासायनिक प्रतीक SN है, तांबे का CU और सोडियम का है NA। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण है, तो सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण है वह है सोडियम क्लोराइड, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है, या परिभाषित किया गया है इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में, ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, यानी कि किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया उस पदार्थ का ऑक्सीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, चांदी एक शक्तिशाली चुंबकीय पदार्थ है, एक विद्युत सुचालक है, विद्युत कुचालक है, इनमें से कोई नहीं, तो चांदी जो है यह एक विद्युत का अच्छा सुचालक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित तत्व की पहचान कीजिए, तो यह है कैल्सीफोर्नियम, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानव निर्मित तत्व कैल्सीफोर्नियम है, जैसे कि मैं आपको बताया हूँ अभी, ठीक है। और कार्बन, देखिए कार्बन, सोना तथा कैल्शियम, ये सभी प्राकृतिक तत्व हैं, ठीक है, और कैलिफोर्नियम जो है इसका परमाणु भार होता है 98, ठीक है, कैल्शियम का परमाणु भार कितना है, 98 है। इसका निर्माण 1950 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के रेडिएशन लेबोरेटरी में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडा वाटर है, तो सोडा वाटर गैस द्रव विलयन होता है, जिसमें गैस के रूप में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं, तो सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है वह होता है प्रोटीन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड का pH 7 से कम होता है, ठीक है, और जिसका pH वैल्यू यानी pH मान 7 से कम होता है वह क्या होता है, अम्लीय होता है, ठीक है, अम्लीय होता है, इस प्रकार अधातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, धातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं, देखिए वहाँ पे अधातु के ऑक्साइड थे और वह अम्लीय होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे है धातु के ऑक्साइड, तो धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं, यानी धातु के ऑक्साइड का pH 7 से अधिक होता है, और pH वैल्यू जिसका यानी 7 से अधिक होता है वह क्या होता है, क्षारीय होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पायरेक्स कांच मुख्यतः है, तो पायरेक्स कांच जो है यह ऊष्मा प्रतिरोधी कांच है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऊष्मा प्रतिरोधी कांच, और पायरेक्स कांच मुख्यतः ऊष्मा प्रतिरोधी कांच होता है, जैसे कि अभी मैं आपको बताया, और इसका प्रयोग वाहनों एवं घरों की खिड़कियों के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है, तो देखिए यहाँ दिए गए ऑप्शन में सबसे भारी धातु है वह है यूरेनियम, ठीक है, सबसे भारी धातु है यूरेनियम, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसका परमाणु भार 238 है, ठीक है, 238, ठीक है, इसका जो परमाणु भार होता है वह 238 होता है, एल्यूमिनियम का देखिए 27 होता है परमाणु भार, तांबे का 64 होता है, और चांदी का परमाणु भार होता है 108, तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में सबसे अधिक परमाणु भार किसका है, यूरेनियम का है। अगला क्वेश्चन है, लोहे का शुद्धतम रूप है, तो लोहे का शुद्धतम रूप है वह है पिटवा लोहा, ठीक है, पिटवा लोहा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और इसमें कार्बन की मात्रा 0.12% से लेकर 0.24% तक होती है, और यहाँ पे देखिए ढलवा लोहा, तो यह जो है ढलवा लोहा में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है, ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है,
तो ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए, आप इसे याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या है? देखिए यह भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या होता है। तो यह होता है Na2ZnO2, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? तो सबसे पहले तो ये कि जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है, ये चीज़ पहले आपको याद रखनी है, ठीक है, कि जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है, और जल में चूना यानी कि CaOH2, ठीक है, मिलाकर अस्थायी कठोरता दूर किया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और एक चीज़ और आप जान लीजिए कि जल में अस्थायी कठोरता कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण होती है, ठीक है। जल में अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, जबकि जल में अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी हम लोग। एक जल नमूना भारी जल हैवी वाटर कहा जाता है क्योंकि वह पेय जल से भारी है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारी जल हैवी वाटर पीने वाला जल से भारी होता है, यह हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है, ठीक है, ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है। इसका अनुभार यानी कि भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20 होता है, जबकि साधारण जल का अनुभार 18 होता है, ठीक है। साधारण जल का अनुभार 18 होता है और भारी जल का अनुभार 20 होता है, इसलिए इसे भारी जल कहा जाता है। भारी जल का उपयोग नाभिकीय विखंडन में मंदक यानी कि मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्विस स्टेशनों पर मोटरकारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा निम्नांकित में से किसकी जांच व अनुमान किया जाता है? तो देखिए, सर्विस स्टेशनों पर प्रदूषण जांच में सीसा व कार्बन कणों की जांच की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बंद कमरों में स्टोव व अंगीठी का प्रयोग न करने की सलाह निम्नलिखित कारण से दी जाती है। तो देखिए, जलते स्टोव या अंगीठी से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है, और यह बंद कमरे में मतलब कि बंद कमरे में यह काफ़ी हानिकारक होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड से विषायन। अगला क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? तो गर्म मौसम का, सर्द मौसम का, शुष्क मौसम का, आंधी या झंझावत की संभावना का। तो जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह आंधी तूफान आने की संभावना का संकेत होता है, ठीक है, आंधी या झंझावत की संभावना का, क्योंकि उस क्षेत्र में निम्न दाब बन जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि उतनी ही रहेगी, घटेगी, शून्य हो जाएगी, बढ़ेगी? तो पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, यदि लोलक यानी कि पेंडुलम की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय घटता है, दुगना होता है, एक चौथाई होता है, 4 गुना हो जाता है। तो यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय दुगना हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, लोलक यानी कि पेंडुलम की आवर्तकाल टाइम पीरियड द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है? तो पेंडुलम की जो टाइम पीरियड होती है वह लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। तो देखिए, इसका जो ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है वह है केशिकीय अभिक्रिया परिघटना, ठीक है। केशिकीय अभिक्रिया परिघटना के कारण ही ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक ध्रुवों यानी कि पोल पर होता है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। तो यहाँ पे अंटार्कटिका के कैंप में होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि अंटार्कटिका कहाँ पे है, तो यह है साउथ पोल में। और देखिए, भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, और पृथ्वी की सतह से जैसे ही आप ऊपर या मतलब कि जैसे ही ऊपर या नीचे जाए मतलब जाते हैं, ठीक है, यानी कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घट जाता है, घटता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। तो जो लवण लवण जो जल का अवशोषण करता है वह कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? तो वह है प्राकृतिक गैस, ठीक है, नेचुरल गैस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइन्फेक्टेंट की तरह उपयोग होता है, तो वह क्या है? चाहे वह है तो वह है पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप इसे जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन है, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो पीतल हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि पीतल किसका मिश्रण है, तो यह मिश्रण है तांबा यानी कि Cu कॉपर, ठीक है, और जस्ता का यानी कि जस्ता जिंक, ठीक है। तो इसका आंसर है, सॉरी, यानी कि कॉपर पीतल जो है यह कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, जस्ता का मिश्रण होता है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, माणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो माणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यह होता है क्रोमियम ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी का घनत्व क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है और फिर घटता है, ठीक है। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। और पानी का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का सर्वाधिक घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम परमैंगनेट जल को कीटाणु रहित बना देता है, स्वादिष्ट बना देता है, पारदर्शक बनाता है, दुर्गंध मुक्त बना देता है। तो देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट जल को कीटाणु रहित बना देता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है? वह है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? तो यह गिर जाती हैं सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की अधिकता होने के पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन गैस में किस तरह की गंध होती है? तो ओजोन गैस में किस तरह की गंध होती है? वह होती है सड़ी मछली की तरह, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव को जीवन देने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है? तो यह कहाँ से आती है? जल से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, एक्रोलीन है प्लास्टिक फाइबर इलेस्टोमर रेजिन। तो एक्रोलीन जो है यह फाइबर है, ठीक है, यह फाइबर है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? वह है लिनियस, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, ठीक है, 1000 क्वेश्चन का यह लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन ये है कि वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है क्वेरकस सुबेर से, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स, यदि आपको इस सीरीज का यानी कि 1000 क्वेश्चन का PDF फाइल चाहिए, तो आप जल्दी से मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पे इस वीडियो का मतलब इस पूरे सीरीज का PDF फाइल सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो
तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अभी 50 क्वेश्चन में कितना सही किए हैं, ठीक है। और प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ इन सारे वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। और कैसा लगा यह वीडियो, कैसा लगा यह सीरीज, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो